अगर आपने इस ड्रामा का पार्ट वन नहीं देखा तो आप पहले उसे देखें, वो ऑलरेडी मेरे मेन चैनल किरश पर अपलोडेड है। अब चलिए पार्ट टू की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। विन वांजय की परफॉर्मेंस देख रहा था। विन को उसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगती है, उसके चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये आ गई कि उसने कंपनी के रूल्स फॉलो नहीं किए। उसने क्रियांग की कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी के आर्टिस्ट का सॉन्ग चुना। विन कहता है उसने दूसरी कंपनी का सॉन्ग गाया, इसलिए हमें उसे एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। ये बात वहाँ से निकलते हुए वांजाई सुन लेती है और वो विन पर भड़कना शुरू करती है। मैं दूसरी कंपनी का सॉन्ग यूज क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता है यहाँ कुछ मिनट गाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की? मैं विलेज से आई, छोटे से कमरे में रही और तुम मुझे इस रीजन से एलिमिनेट कर दोगे कि मैंने दूसरी कंपनी का सॉन्ग यूज किया? विन कहता है हाँ, क्योंकि तुमने रूल्स तोड़े। फॉर्म पर ऑलरेडी लिखा था कि आपको क्रियांग कंपनी का सॉन्ग यूज करना है, जो तुमने पढ़ा नहीं। वांजाई फिर भी अपनी गलती नहीं मानती और क्रियांग कंपनी की इज्जत धो देती है। मैं क्रियांग कंपनी का सॉन्ग यूज कैसे करती? इस कंपनी ने इतने सालों से कोई अच्छा सॉन्ग ही नहीं दिया जो हिट हुआ हो, और वो चली जाती है। बिन को बड़ी गुस्सा आती है कि एक मामूली लड़की उसकी इंसल्ट कर गई। केन वांजाई को समझाता है कि उसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट अपने पेरेंट्स को जस्टिस दिलाने के लिए किया है, इसलिए थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले, इस तरह गुस्सा ना हो। रात के टाइम विन के एम्प्लॉई, हम उन्हें फ्रेंड भी कह सकते हैं, कून और त्योंग अगेन वांजाई की यूट्यूब वीडियो देखते हैं। उन्हें याद आता है कि जिस लड़की ने आज पार्ट लिया था ये वही है। वो विन से कहते हैं कि वो वांजाई को एक और चांस दे, ये इतनी अच्छी सिंगर है कि वो उन्हें और कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल देगी। विन तो वांजाई से गुस्सा था, पर वो उनसे कहता है मैं इस लड़की को चांस तभी दूंगा जब ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीतेगी। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते टाइम वांजाई अफसोस कर रही होती है कि उसने इतनी मेहनत की और उसकी जरा सी गुस्से की वजह से उसका प्लान चौपट हो गया। तभी उसे कून कॉल करता है और बताता है मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ क्रियांग कंपनी का। वांजाई चौंक जाती है। कून बताता है मैंने तुम्हें कॉल ये बताने किया है कि तुम कंपटीशन के फाइनल राउंड में पहुँच गई हो, इसलिए जल्दी से कंपनी आ जाओ। वांजाई और केन खुश हो जाते हैं और जल्दी से कंपनी पहुँचते हैं। कून वांजाई से मिलता है और कहता है आज अच्छे से परफॉर्म करना, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। फिर कून त्योंग से कहता है कि वो वांजाई को लेकर जाए और अच्छे से तैयार करके लाए। वांजाई तैयार होने जाती है, बीच में वो क्रियांग से मिलते हैं। त्योंग कहता है वांजाई मेरे बॉस क्रियांग से हेलो कहो। वांजाई की तो क्रियांग से पुरानी दुश्मनी है, तो वो रूडली हेलो कहती है और बताती है मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आज पहली बार आपसे मिल भी लिया। क्रियांग पूछता है अच्छा क्या सुना है? वांजाई मैंने सुना है कि आप बहुत सेल्फिश हो, बस खुद की ही सोचते हो और सबसे बड़ी बात आप वुमनाइजर हो। वांजाई उसकी वही इंसल्ट कर देती है। त्योंग कहता है वांजाई ये तुम क्या कह रही हो मेरे बॉस से? वांजाई बताती है मैंने तो वही कहा जो मैंने न्यूज में सुना है। क्रियांग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। विन भी वांजाई की बातें सुन लेता है। उसे उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरी तो मेरी, अब डैड की भी इंसल्ट की। देन क्रियांग कून से मिलता है और उसे बताता है कि वो विन को समझाए कि ये म्यूजिक कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, वो ये जिद छोड़ दे और दूसरी कंपनी स्टार्ट करे, उसमें बहुत प्रॉफिट है। कून बताता है कि हमें एक न्यू स्टार मिल गई है और वो उसे वांजाई की सिंगिंग वीडियो दिखाता है। जैसे ही क्रियांग वांजाई को पहचानता है वो कहता है मैं ऐसी मुंह चलाने वाली लड़कियों को अपनी कंपनी में कभी नहीं लूंगा और ये मेरा ऑर्डर है। केन छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और कहता है ये वांजाई अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख पाती। वांजाई जब रेडी होकर बाहर आती है तो त्योंग की जगह विन को रूम में देखती है। वांजाई कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगू तो आई एम सॉरी, ठीक है अब खुश? विन कहता है तुम बुद्धू हो, जो तुमने क्रियांग कंपनी के ओनर की इंसल्ट की, तुम्हें पता है तुम उन्हीं की कंपनी में सिंगर बनना चाहती हो और उन्हीं की इंसल्ट कर रही हो। वांजाई अच्छा तो तुम मुझसे इस बात से गुस्सा हो, वैसे तुम उसके लगते कौन हो? मुझे तो तुम बस एक एम्प्लॉय लग रहे हो। विन उसे वॉल की तरफ पुश करता है और उसके क्लोज जाकर कहता है मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उसकी क्लोजनेस से वांजाई नर्वस हो जाती है। विन कहता है मैं तुम्हारे बारे में उस तरह नहीं सोच रहा, इसलिए गलत सोचने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपल दिखती हो पर मुंह बहुत चलता है तुम्हारा।
विन उसे टीज करने अगेन उसके क्लोज जाता है और स्माइल करता है। देन वो वहाँ से चला जाता है। कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। जब वांजाई का टर्न आता है तो कून विन को बुलाने जाता है जिससे वो खुद वांजाई की परफॉर्मेंस देख सके। विन उसके साथ जाता है। वांजाई अच्छे से अपना सॉन्ग गा रही थी पर विन को देखते ही वो नर्वस हो जाती है और गाना बंद कर देती है। फिर जैसे तैसे करके वो अपना सॉन्ग पूरा करती है। विन कून से कहता है ये क्या स्टार बनेगी, ये तो गाना ही भूल गई। केन एक एम्प्लॉई से पूछता है ये हैंडसम बंदा कौन है। वो बताती है ये ओनर क्रियांग का सन है। केन चौंक जाता है, सोचता है वांजाई ने किससे पंगा ले लिया। विन सोच लेता है चाहे कुछ हो वो वांजाई को अपनी कंपनी में सिंगर नहीं बनने देगा। देन केन वांजाई को बताता है कि उसने जिससे पंगा लिया है वो क्रियांग का सन है विन। वांजाई सब जानते ही परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगी। तभी रेस्टोरेंट के बाहर वो कुछ लोगों का ग्रुप देखती है जो सिंगिंग कर रहा होता है। वांजाई उसे देखने बाहर जाती है और उस ग्रुप के साथ अपनी मॉम का सॉन्ग फॉर मॉम आई कांट लूज गाती है। केन फिर से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और वो अगेन वायरल हो जाती है। हर कोई उसी की वीडियो देखता है। फिम भी वांजाई को अपना सॉन्ग गाते हुए देखकर खुश होती है। देन केन कहता है तुम्हारा क्रियांग की कंपनी में सिंगर बनने का सपना पूरा हो सकता है क्योंकि मैंने सुना है अगर 6 महीने में उन्हें अच्छा सिंगर नहीं मिला तो उनकी म्यूजिक कंपनी बंद हो जाएगी और ये चांस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। उसी टाइम एक म्यूजिक कंपनी साउंड एलाइट के ओनर का कॉल आता है केन के पास और वो कहता है हमने वांजाई की सिंगिंग वीडियो देखी इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमारी कंपनी में सिंगर बन जाए। केन उनके साथ शाम की मीटिंग फिक्स कर लेता है। वांजाई पूछती है अब तुम्हारा प्लान क्या है। केन साउंड एलाइट और क्रियांग की कंपनी कॉम्पिटिटर है तो जैसे ही विन को पता चलेगा कि तुम्हें उस कंपनी से ऑफर मिला है वो तुम्हारे साथ जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। वांजाई तुम तो बड़े चालाक हो। देन वांजाई जानबूझकर विन के सामने साउंड एलाइट के ओनर बॉब से बात करने की एक्टिंग करती है। कहती है मैं आपके साथ वर्क करने को तैयार हूँ, आज शाम 5 बजे मिलते हैं। विन ये सुनकर चौंक जाता है। कून विन से पूछता है क्या अब तुम वांजाई को भी साउंड एलाइट में जाने दोगे। वो बॉब वैसे ही हमारे बहुत सिंगर छीन चुका है। विन इस बारे में सोचने लगता है। देन केन और वांजाई कंपटीशन का रिजल्ट देखने जाते हैं तो लास्ट ईयर की विनर तान इस बार विनर नहीं बन पाती। वो वांजाई के विलेज के पास के विलेज की है तो वांजाई और केन उसके फ्रेंड बन जाते हैं। केन को तो उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। तान अकेले में रो रही होती है क्योंकि वो फर्स्ट नहीं आ पाई। वांजाई विन के सामने उससे कहती है तुम इस कंपनी को छोड़ो और मेरे साथ साउंड एलाइट चलो, हम वहाँ साथ में सिंगर बनेंगे। ये सुनकर विन जेलस होता है और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड होता है।